आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। भारत दिल्ली में G20 की शानदार मेजबानी कर रहा है, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। विश्व के कई बड़े देशों के नेता G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। भारत मंडपम में पीएम मोदी ने आए हुए सभी विदेशी मेहमानों का शानदार स्वागत किया। भारत के राष्ट्रपति ने सभी अतिथियों को डिनर के लिए आमंत्रित किया। G20 में भारत की पहल पर एक बड़ा फैसला हुआ। दुनिया में बायोफ्यूल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का शुभारंभ हुआ, जिसमें 9 देश शामिल हैं। दुनिया में बायोफ्यूल के उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। वासुदेव कुटुम्बकम अर्थात संपूर्ण विश्व एक ही परिवार है के मोटो के साथ भारत के नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। जो भवन इस सम्मेलन समारोह की शोभा बढ़ा रहा है, उसका नाम भारत मंडपम रखा गया है। विश्व के लगभग 20 देश इस सम्मेलन समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। भारत की आज विश्व पटल पर एक नई पहचान और शान स्थापित हो रही है। आज संपूर्ण विश्व भारत के इस शान का गुणगान कर रहा है, साथ ही प्रत्येक भारतवासी भी गर्व से अपने राष्ट्र पर अभिमान कर रहा है। जो भारत सदियों से प्रेम, भाईचारे और सहिष्णुता का गवाह रहा है, आज फिर इसी उद्देश्य को पूरा करते हुए भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व भर से आए हुए राष्ट्रीय अध्यक्षों एवं गणमान्य अतिथियों की अध्यक्षता कर रहे हैं। आज संसार जहां हर तरफ की प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने की होड़ में अपने मौलिक नैतिक जीवन मूल्यों को छोड़ रहा है, वहीं भारत सबको एक सूत्र में पिरोकर दुनिया को वैश्विक रूप से एक करने की हर संभव कोशिश कर रहा है। हर कोई भारत की इस सुंदर प्रस्तुति की सराहना कर रहा है और भारत मंडपम भारत के इस शान का साक्षात गवाह बन रहा है। आपको G20 का ये खास कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देश विदेश, राजनीति, सांस्कृतिक, व्यापार, बाजार, लाइफस्टाइल और फिल्मी दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। We'll be right back.